अपील करूंगा सभी साथियों से कि वो शांति बनाए रखें, जो मेरे ये हॉस्पिटल के बाहर हैं और जो कहीं भी हैं। हम अपनी लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे। आपका आशीर्वाद है, अभी नहीं मुझे कुछ होने वाला, मैं स्वस्थ। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला करने वाले हमलावरों की कार पुलिस ने बरामद कर ली है। साथ ही पुलिस ने 4 संदिग्धों को भी हिरासत में ले लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है। वहीं दूसरी तरफ अस्पताल में भर्ती चंद्रशेखर आजाद की हेल्थ रिपोर्ट भी सामने आ गई है। सहारनपुर के CMS डॉक्टर रतन पाल का कहना है कि चंद्रशेखर की सेहत अब ठीक है, फिलहाल घबराने की कोई बात नहीं है। आपको बता दें कि चंद्रशेखर पर बुधवार शाम सहारनपुर के देवबंद में अज्ञात हमलावरों ने गोली चलाई थी, जिससे वो घायल हो गए थे। इसके बाद उन्हें सहारनपुर में SBD अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं हमले के बाद चंद्रशेखर ने कहा कि हम अपनी लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे इस तरह के अचानक हमले की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने अपने समर्थकों से शांति की अपील करते हुए कहा, मैं देश भर में अपने दोस्तों, समर्थकों और कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। हम अपनी लड़ाई संवैधानिक रूप से जारी रखेंगे। जी, क्या कहेंगे? मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि अचानक से इस तरह का हमला हो जाएगा। मैं अपील करूंगा अपने साथियों से, देश भर में हमारे साथी हैं, हमारे समर्थक कार्यकर्ता हैं, कि वो शांति बनाए रखें। हम आगे की सारी लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे, ये गोली की भाषा हमारी नहीं। तो बस मैं उनसे अपील करूंगा कि वो शांति बनाए, कहार भी है तो शांति बना के शांति के माहौल में रहे। उनका प्यार और करोड़ों माओ बहनों का आशीर्वाद है कि मैं सुरक्षित हूँ, मैं ठीक हूँ। मैं उनसे अपील करता हूँ कि वो शांति बनाए रखें। मुझे उम्मीद है कि वो मेरे विश्वास पे खड़े उतरेंगे और शांति बना के रखेंगे। उन लोगों क्या कहेंगे जिन्होंने? मैं कुछ नहीं कहूंगा, कुछ नहीं कहूंगा। मेरा किसी को झगड़ा नहीं है, मैं अपने महापुरुषों की विचारधारा के लिए काम कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आगे बढ़े, बाबा साहब कांशीराम साहब का दूसरा सपना पूरा, मैं उसके लिए जारी लगा रहूंगा। मैं गोलियों से नहीं डरने वाला, लेकिन मैं अपने साथियों से आज अपील करूंगा कि वो शांति बनाए रखें। मुझे उनसे उम्मीद है, हम संविधान को मानने वाले लोग। कुछ कह नहीं सकता, मेरी किसी को, मेरा व्यक्तित्व से कोई लड़ाई नहीं। कुदरत उनको सद्बुद्धि दे, जिन्होंने ऐसा किया। अगर मुकदमा लीगल का वो नहीं होता तो मैं मुकदमा भी दर्ज नहीं कराता, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न भूलें।